हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप मुझे आज मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ यहाँ पर ऐसे ही ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन हैक्स एंड टिप्स रिलेटेड वीडियोज़ जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फिर चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे घरों में बहुत ढेर सारा सामान ऐसा होता है जिसे हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, या फिर वो इधर उधर पड़ा रहता है कबाड़ की तरह। तो ऐसे सामानों को हम छांटने के बाद में काफ़ी सामान उसमें ऐसा हमारा निकलता है जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है कि कई चीज़ों को हम रीयूज़ करने वाले हैं। कुछ ऐसे ही टिप्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए, अपने घर को सुंदर और ऑर्गेनाइज रखना हम लेडीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और अगर वो ज़ीरो कॉस्ट में हो जाए तो फिर बात ही क्या। तो देखिए, चलिए बना लेते हैं एक प्यारा सा DIY। तो यहाँ पर मैंने ली है कुछ अगरबत्ती जो हम यूज़ करते हैं अपनी पूजा के लिए। तो इस तरह से हमें लेनी है यहाँ पर कुछ अगरबत्तियाँ, और मैंने यहाँ पर कुछ देखिए गेंदे के फूल लिए हैं। तो आप यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट्स जो फ्लावर्स आते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से रियल जो फ्लावर्स होते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी फ्लावर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं जो स्टिक हमारी होती है अगरबत्ती, उसको पीछे साइड से देखिए इस तरीके से जहाँ पे हम स्टैंड पे लगाते हैं ना, उस साइड से हमें यहाँ पर जो भी हम फूल यहाँ पर यूज करने वाले हैं उनको इस तरीके से डालते जाएंगे, और इस तरीके से अपना एक बंच हम तैयार कर लेंगे। और इस बंच को लेके आप यहाँ पे, आपके पास कोई भी पुराना कप हो, मग हो, कुछ भी आपके पास पुराना आइटम कुछ भी पड़ा हुआ हो जिसे आप यूज़ ना करते हो, तो वो आप ले सकते हैं। और इस तरीके से वो सारी स्टिक्स जो हमने बनाई हैं उसको आप इसके अंदर इस तरीके से डाल सकते हैं। तो ये हमारा ज़ीरो कॉस्ट का एक हमारा इतना प्यारा सा देखिए पॉट बनके तैयार हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपका घर तो महकेगा ही, साथ में देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और अभी आ रहे हैं फेस्टिवल, तो आप इस तरीके से बना के वहाँ पर आप इस तरीके से इनको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और तो बजट की बात करें तो फिर ज़ीरो कॉस्ट है, और हमने इसमें कुछ भी बाहर से देखिए नहीं ख़रीदा है, सब कुछ हमारे घर पे ही ईजिली मिल जाता है। तो बेकार पड़ी हुई चीज़ों से एक हमारा पॉट बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया। इस तरीके से हमारा घर भी सुंदर हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, और घर भी हमारा बहुत अच्छे से महकने लगा। तो कई बार हम जब अगरबत्ती लगाते हैं पूजा करने के लिए तो क्या होता है कि उसका स्टैंड हमें नहीं मिलता है, वो इधर उधर खो जाता है, या किसी भी रीज़न से हो सकता है कि स्टैंड हमारे पास ना हो। तो उस टाइम हमें समझ नहीं आता है कि अपनी अगरबत्ती को हम कैसे वहाँ पर मंदिर में लगाएं। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन है मेरे पास कि आप यहाँ पे लीजिए अपना नेल पेंट का कोई भी खाली बॉटल ले लीजिए, जिसका नेल पेंट आपका सूख चुका हो, वो बॉटल लेके आप वहाँ मंदिर में रख सकते हैं देखिए इस तरीके से। और आप जब भी अगरबत्ती जलाएं वहाँ पर तो उसके अंदर आप अपनी अगरबत्तियों को जला के इस तरह से रख दीजिए, तो वो इधर उधर गिरेंगी नहीं, और कोई भी खतरा नहीं होता है कि कहीं पे भी वो टेढ़ी मेढ़ी होकर गिर जाएगी तो फिर आग वगैरह लगने का डर होता है, तो वो भी कोई खतरा नहीं होगा। और इस तरीके से आप हर बार आप जो स्टैंड खो जाता है ना, तो उससे भी आप बच जाएंगे। और इस तरीके से हमारा एक ज़ीरो कॉस्ट का देखिए अगरबत्ती का स्टैंड तैयार हो गया हमारे घर पर ही। तो देखिए, कुछ टाइम यूज़ करने के बाद जो हमारे रेज़र की जो धार होती है ना, वो काफ़ी कम हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि 2 से 3 बार आप जब भी रेज़र को यूज़ करते हैं उसके बाद इसकी धार काफ़ी कम हो जाती है और ये चलता नहीं है, और इसे हमें फेंकना पड़ता है। तो थोड़ा सा तो इसको हम रीयूज़ कर ही सकते हैं ना अपने जुगाड़ से, कुछ अपने हैक्स लगाकर कुछ जुगाड़ के यहाँ पर फिट करके। तो देखिए, यहाँ पर हमें लेना है अपना फॉइल और इस तरीके से उसको फोल्ड कर लीजिए, और उसके बाद में जो आपका रेज़र है ना उसको देखिए उसके ऊपर इस तरह से चला दीजिए, कई बार चला दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो आपके ब्लेड्स की जो धार है ना वो वापस फिर से सही हो जाएगी। और आप इसे फिर से 2 से 3 बार आप इसे यूज़ कर ही सकते हैं। तो फेंकने से पहले एक बार इस जुगाड़ को जरूर ट्राई कीजिएगा, जिससे कि आपका रेजर फिर से काम करने लगेगा और आप इसे फिर से रीयूज कर सकते हैं, वो भी जीरो कॉस्ट में।
तो आप भी अगर अपने किचन में टॉवल को हैंग करना चाहते हैं और आप जब भी उसे हैंग करते हैं तो टॉवल आपका नीचे बार बार गिर जाता है और आप उसे हैंग करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो इस जुगाड़ को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर लेना है एक हमें टॉवल और एक हमें अपनी पुरानी चूड़ी ले लेनी है और हमें लेना है एक आलपिन। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए अपनी टॉवल को हैंग करने के लिए। तो देखिए टॉवल को लेंगे और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए एक तिकोना टाइप का ऊपर बन जाएगा, देखिए इस तरीके से इस तिकोने को पकड़ना है और यहाँ पे हमें अपनी जो चूड़ी हमने ली है ना उस चूड़ी को इसमें हमें फंसा देना है और उसके बाद हमें ऊपर से इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जो हमने जो हमारा टॉवल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसको देखिए इस तरीके से ऊपर के कॉर्नर को हमें फोल्ड कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे हमें लेना है आलपिन और आलपिन को लेके देखिए इस तरीके से इसमें हम लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सुई धागे की हेल्प भी ले सकते हैं, यहाँ पर टांके भी मार सकते हैं उसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए। तो देखिए ये अब इसमें ये अच्छे से हैंग हो गया। अब क्या होगा कि हमारा टॉवल है वो बार बार नहीं गिरेगा और आपके पास किचन में जहाँ पर भी इसे हैंग करने का स्पेस हो ना आप वहाँ पर इस टॉवल को हैंग कर दीजिए। उससे होगा ये कि आपका टॉवल वहाँ पर बहुत अच्छे से हैंग रहेगा और आप जब भी अपने हैंड वगैरह अच्छे से पोंछेंगे ना तो ये वहाँ से गिरेगा नहीं और एक ही जगह पर अच्छे से टंगा रहेगा। तो इस तरीके से आप इस जुगाड़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी किचन में अपने टॉवल को हैंग करने के लिए। तो देखिए लगातार यूज़ करने की वजह से जो हमारा नल कटर होता है ना तो आपने नोटिस किया होगा कि उसकी धार काफ़ी कम हो जाती है। जब भी हम नेल्स को कट करते हैं तो हमारे नेल्स उससे कट नहीं होते हैं, तो उसकी धार को वापस सही करने के लिए देखिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कोई भी आप मेडिसिन ले सकते हैं उसका पुराना पत्ता जो खाली हो चुका हो। तो इस तरीके से हमें मेडिसिन के खाली पत्ते को लेना है और अपने जो आपका नेल कटर है उसको लेकर आप उसकी साइड्स पे किसी भी तरीके से देखिए इस तरह से उसको चलाते जाइए। तो उसे होगा क्या कि काफ़ी देर तक चलाने के बाद जो आपके नल कटर की धार है ना वो वापस सही हो जाएगी और उसके बाद में आप अपने नल कटर को आप फिर से जब यूज़ करेंगे ना तो आप नेल्स को बहुत आसानी से काट पाएंगे। तो और इससे होगा ये कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारा नल कटर अब ख़राब हो गया उसे हम फेंक देते हैं ना, तो ऐसा करने से आपका नल कटर वापस फिर से सही हो जाएगा और आप उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़ीरो कॉस्ट में आपने फिर से देखिए एक नल कटर को अपने सही कर लिया और आप उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे किचन में जब भी इस तरह से कोई बॉक्स खाली होता है ना तो उसे हम फेंक ही देते हैं और उसे हम यूज़ नहीं करते हैं, बट लेकिन उसे हम कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं और उसके ढक्कन में इस तरीके से देखिए उसको कट का निशान बना सकते हैं, कुछ थोड़ा सा पेंट कर सकते हैं, फैब्रिक कलर से DIY बना सकते हैं और ये एक हमारा मनी बैंक बन के तैयार हो गया। जैसे हम गुल्लक होती है ना बिल्कुल वही बन के तैयार हो गई है। तो आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप अपनी सेविंग इसके अंदर डालिए या फिर आप इसे रख सकते हैं कि जब भी बाहर से कभी भी आप आते हैं तो कुछ चेंज वगैरह आपके हाथ में होता है तो हम उसे टेबल पर ही इधर उधर रख के छोड़ देते हैं ना, तो उस पे रखने की बजाय आप इसके अंदर वो डाल दीजिए तो सारे आपके जो भी कॉइन्स वगैरह हैं वो सारे एक जगह पर ही रहेंगे, वो इधर उधर नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप खाली पड़े हुए डब्बे को यूज़ करके एक बना सकते हैं बहुत ही प्यारा सा DIY और एक प्यारा सा मनी बैंक। तो देखिए अगर आपके पास भी आपके किचन में स्पेस की काफ़ी कमी है ना तो आप इस तरीके के मल्टीपर्पज़ जो ऑर्गेनाइज़र है ना उनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने जो ऑर्गेनाइज़र लिया है उसमें देखिए चार खाने बने हुए हैं, डिवाइडर बने हुए हैं चार, जिसकी वजह से इसमें हम ढेर सारे सामान को यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने अपना देखिए कटलरी का सारा सामान इसके अंदर डाला हुआ है, नाइफ वगैरह भी इसी के अंदर रखे हुए हैं, बहुत ईजिली आ जाते हैं। और इस तरीके का डिवाइडर जो DIY बना के आप इस तरीके का बॉक्स देखिए ऑर्गेनाइज़र आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत ईजिली बन जाता है देखिए। तो इस तरीके से ज़ीरो कॉस्ट में एक हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। तो यही थे कुछ टिप्स, अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।